अरे हाँ, आप मुझे देख रहे होंगे। बिल्कुल सही। देखिए, मेरे गाड़ी में एयर बैग नहीं है, लेकिन फिर भी हम हेलमेट लगाए हुए हैं। शायद मेरे ऊपर हंस भी रहे होंगे, लेकिन हंसना भी जरूरी है। अब तो गाड़ी के आगे बैठने वाले सिर्फ दो ही लोग सीट बेल्ट पहनते थे, लेकिन अब पीछे बैठने वाले भाई साहब, सब लोग ध्यान से सुन लें, अब उन्हें भी सीट बेल्ट लगाना होगा। बहुतों के सीट कितने गंदे हुए होंगे, कचरे भरे होंगे, अब उस कचरे को साफ कर लें ताकि आपके व्हाइट शर्ट गंदी ना हो। आज सड़कों पे देख रहा था, लोगों से कहा तो सीट बेल्ट तो पीछे सोचते कि होता ही नहीं है, लेकिन पुलिस को देख करके जब तक समय उन्हें ध्यान आया कि हाँ, पीछे भी सीट बेल्ट दी गई है गाड़ियों में, जो अभी तक लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। वैसे भी आप घर से निकलते वक्त आप जो भी मंदिर मस्जिद कोई प्रणाम करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन खुद भी आप प्रणाम करते हैं, लेकिन घर से निकलते वक्त सबसे पहले सड़कों को प्रणाम करें। आपने देखा होगा अभी हमारे भारत के बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री जी, जो कि पीछे बैठे हुए थे, उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, और आगे दोनों लोग बैठने वालों की जान बच गई, सीट बेल्ट पहने थे और एयर बैग भी खुले। तो देखिए, वो मंदिर बनवाए लेकिन फिर भी नहीं बच पाए, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई। शायद उनके मौत से भारत की 140 करोड़ जनता कुछ सीख सके। और अब जो भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन जो जारी किया हुआ है कि पीछे बैठने वाले को भी सीट बेल्ट बांधने की जरूरत है। मैं वैसे हेलमेट पहना हूँ, हेलमेट का बेल्ट भी बांध लेता हूँ, लेकिन आपको अब गाड़ी के अंदर, फोर व्हीलर के अंदर, जो भी आगे ड्राइव कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि पीछे बैठने वालों के ऊपर सबको सीट बेल्ट बांधने की अमल करे। ठीक है, अब हंसना नहीं है, अब फटाफट अपनी बेल्ट बांध के निकलनी है, सड़क पर चलान भी हो सकते हैं। धन्यवाद।